नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। प्रांतीय आह्वान पर राजकीय इंटर कॉलेज हरदोई में वित्त विहीन शिक्षकों ने प्रदेश सरकार द्वारा मानदेय बंद किए जाने के विरोध में मूल्यांकन का बहिष्कार कर रहे हैं। मंगलवार के दिन शिक्षकों ने अर्धनंग होकर प्रदर्शन किया, जिसके चलते मूल्यांकन प्रभावित रहा। वहीं राजकीय अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों के शिक्षक मूल्यांकन कार्य कर रहे हैं। नगर में बोर्ड ने 3 मूल्यांकन केंद्र बनाए हैं। आरआर इंटर कॉलेज और जीआईसी में भी कुछ परीक्षक मूल्यांकन करते नजर आए। धरना चौथे दिन भी जारी रहा। विधविहीन शिक्षक अपनी मांग पर अड़े हुए हैं। महासभा के जिला अध्यक्ष बादाम सिंह यादव ने बताया कि अभी तक सरकार की तरफ से कोई वार्ता करने नहीं आया, धरना जारी रहेगा। प्रांतीय कमेटी जब तक धरना समाप्त करने को नहीं कहेगी। विधविहीन शिक्षकों को पिछली सरकार ने जो मानदेय दिया था, इस सरकार ने अकारण इसको बंद कर दिया है। तो प्रमुख लड़ाई तुम्हारी है, जब तक मानदेय पुनः बहाल नहीं किया जाता है, तब तक हम किसी भी कीमत पर अपना आंदोलन वापस नहीं करेंगे। ये हमारा प्रांतीय नेतृत्व का निर्णय है और प्रांतीय नेतृत्व के आदेशानुसार हम लोग यहाँ बैठे हैं। जब तक आंदोलन प्रांतीय नेतृत्व नहीं खत्म कराएगा, तब तक हम लोग नहीं खत्म करेंगे। सरकार की तरफ से कोई अभी आया नहीं है? सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी सकारात्मक वार्ता नहीं हुई है और हम लोग अपना निरंतर प्रदर्शन बदल कर रूप जारी रखेंगे। आज हम लोगों ने अर्ध नग्न अवस्था में किया है, कल हम लोग बाल मुड़वाएंगे, परसों हवन करके परसों जलपान की व्यवस्था भी यहाँ कराएंगे। ये सिर्फ हरदोई में है, पूरे प्रदेश में चल रहा है कार्यक्रम। प्रादेशिक नेतृत्व के आह्वान पर पूरे प्रदेश में कार्यक्रम चल रहा है। आज तो कई जगह पर माननीय मुख्यमंत्री जी का पुतला भी फूंका गया है, लेकिन हम लोग प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे जब तक हमारा प्रदेश नेतृत्व